व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ गाड़ेकर शिवा। गाइस, पिछले वीडियो में हमने जाना था अबाउट टू के बारे में। उस वीडियो में मैंने छोटे छोटे एग्जांपल सेंटेंसेस के ज़रिए आपको बताया था कि अबाउट टू को इंग्लिश में कब और कैसे यूज़ करना है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो कोई बात नहीं गाइस, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ कॉमनली डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस जिनमें कि हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। ये सेंटेंसेस हम अक्सर हमारे डेली लाइफ में लगातार यूज़ करते हैं, तो हमें ये सेंटेंसेस को ज़रूर जान लेना चाहिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, कुछ ना कुछ होने ही वाला है, मतलब समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। कभी कभार हमारे मन में ऐसे महसूस होने लगता है कि कुछ ही समय में कुछ ना कुछ होने ही वाला है, तब हम ये बात किसी को बताने के लिए इंग्लिश में कहेंगे कि समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, मतलब कुछ ना कुछ होने ही वाला है। जल्दी आओ, बस निकलने ही वाली है, मतलब कम फास्ट, द बस इज़ अबाउट टू लीव। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी समय पर आपके साथ बस स्टॉप नहीं आ पाया और बस निकलने ही वाली है, तब आप उसे इन्फॉर्म करने के लिए इंग्लिश में बोलेंगे कि कम फास्ट, द बस इज़ अबाउट टू लीव, मतलब जल्दी आओ, बस निकलने ही वाली है। जल्दी आओ, सिनेमा शुरू होने ही वाली है, मतलब कम फास्ट, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट। मैं सोने ही वाला हूँ, मतलब आई एम अबाउट टू स्लीप। मैं आपको कॉल करने ही वाला था, मतलब आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। जब आप अपने फ्रेंड को या किसी को भी कॉल करने जाते हो और उतने में ही वही फ्रेंड आपको कॉल करता है, तो तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे कि आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मतलब मैं आपको कॉल करने ही वाला था। मैं आपको एक ईमेल भेजने ही वाला था, मतलब आई वॉज अबाउट टू सेंड यू एन ईमेल। मैं ऑफिस जाने ही वाला था, मतलब आई वॉज अबाउट टू गो टू ऑफिस। मैं कॉलेज जाने ही वाला हूँ, मतलब आई एम अबाउट टू गो टू कॉलेज। मैं आपको वही बात बताने ही वाला था, मतलब आई वॉज अबाउट टू टेल यू द सेम थिंग। अगर आप किसी को कोई बात बताना चाहते थे और आपके बताने से पहले ही अगर वही बात वो लोग आपको बता देते हैं, तो तब आप उनको इंग्लिश में बोलेंगे कि आई वॉज अबाउट टू टेल यू द सेम थिंग, मतलब मैं आपको वही बात बताने ही वाला था। मैं कहने ही वाला था, मतलब आई वॉज अबाउट टू से। मैं कुछ ड्रिंक्स हमारे लिए ऑर्डर देने ही वाला था, मतलब आई वॉज अबाउट टू ऑर्डर अस सम ड्रिंक्स। मैं घास काटने ही वाला था, मतलब आई वॉज अबाउट टू मो द ग्रास। मैं निकलने ही वाला था, मतलब आई वॉज अबाउट टू लीव। मैं नहाने ही वाला हूँ, मतलब आई एम अबाउट टू टेक ए बाथ। मेरी बैटरी ख़त्म होने ही वाली है, मतलब माई बैटरी इज़ अबाउट टू डाई। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पर या कहीं पे भी चैट करने लगे रहते हो और उतने में ही आपकी मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने लगती है, तब आप अपने फ्रेंड को इंग्लिश में कह सकते हो कि माई बैटरी इज़ अबाउट टू डाई, मतलब मेरी बैटरी ख़त्म होने ही वाली है। आज मुझे ईमेल आया है कि मेरा ड्राइवर लाइसेंस एक्सपायर होने ही वाला है, मतलब टुडे आई गॉट ए नोटिस इन द मेल दैट माई ड्राइवर्स लाइसेंस इज़ अबाउट टू एक्सपायर। हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि सूर्यास्त होने ही वाला है, मतलब वी हैव टू गेट आउट ऑफ हियर बिकॉज द सन इज़ अबाउट टू सेट। सूरज डूबने ही वाला है, मतलब द सन इज़ अबाउट टू सिंक। प्लेन अमेरिका जाने के लिए उड़ान भरने ही वाला है, मतलब द प्लेन इज़ अबाउट टू टेक ऑफ फॉर अमेरिका। मैंने सोचा था कि आप दुकान जाने ही वाले थे, मतलब I thought you were about to go to the shop. जब तुम कमरे के अंदर आए तब मैं बाहर जाने ही वाला था, मतलब When you entered the room, I was about to go out. तो ये थे गाइस कुछ अबाउट टू के डेली इंग्लिश यूज्ड सेंटेंसेस जो कि हम अक्सर हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी कुछ अबाउट टू के सेंटेंसेस जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे और दूसरों को भी पता चले और उन्हें भी हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ कर सकें।
तो गाइस जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ये मेरा चैनल का लोगो है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप सब्सक्राइब हो जाओगे। तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, वंस अगेन दिस इज गाडेकर शिवा, टेक केयर, ओवर एंड आउट।